हमारे बच्चे आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं, 5 लाख 8 लाख महीने की सैलरी पाते हैं, इसलिए हमारे लिए महंगाई कोई माने नहीं। महंगाई का दर्द हम लोगों से पूछो, आप इसलिए ये गरीबों से पूछिए आप। 10,000 रुपए में 12,000 रुपए में कम से कम 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करता हूँ। आम जनता के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। राष्ट्रहित में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई महंगाई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा नहीं है। ये तो लोग परेशान है, कह रहे गैस सिलेंडर 1200 के आसपास मिल रहा है, भरा नहीं पा रहे। आप कह रहे हो महंगाई मुद्दा ही नहीं। 1200 गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर कितना लेते हो आप? महीने में एक ही सिलेंडर लेते हो ना, फिर भी 1200 का है ना। 1200 नहीं, 12,000 का हो जाएगा तब भी हमारे लिए वो मुद्दा नहीं, मुद्दा नहीं है। 12,000 का भी अगर गैस सिलेंडर हो जाए तो कोई मुद्दा नहीं है, पैसा बढ़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं, 12,000 का हो जाए आपके लिए मुद्दा ही नहीं। बच्चों की सैलरी 4 लाख से 5 लाख हो रही है तो 12,000 का गैस सिलेंडर कौन सी बड़ी बात है भाई? 10,000 लोग नहीं कमा पा रहे हैं। अरे भाई 10,000 जो नहीं कमा पा रहे हैं उसको मोदी जी फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अनुसार फ्री सिलेंडर उन्हीं को मिल रहा है। सबको फ्री कहाँ मिल रहा है? सबको नहीं मिल रहा, 10,000 वालों कहाँ फ्री मिल रहा है? उज्ज्वला वालों को भी तो भराना पड़ रहा है ना, पैसा देना पड़ रहा है। उज्ज्वला वालों को फ्री सिलेंडर मिल रहा है ना, कहाँ फ्री मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? दे रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है उनको थोड़ा। मोदी जी सब्सिडी दे रहे हैं उनको, ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये बता रहे हो कि 12,000 का सिलेंडर हो जाए आपके लिए मुद्दा नहीं है। 12,000 नहीं, हम 25,000 का सिलेंडर हो जाए तब भी हमारे लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। राष्ट्र हित में चांद पे जाने के लिए, सूरज पे जाने के लिए 25 नहीं, अगर 50,000 का सिलेंडर हो जाए तो हम लोगों के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं। 50,000 का सिलेंडर हो जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे जो गैस पे खाना बनाते हैं। नहीं, जब 3 लाख रुपया आप सैलरी पाओगे, 5 लाख रुपया सैलरी पाओगे, 50,000 का सिलेंडर ले लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाए? 80 करोड़ लोग राशन पे जिंदा है, आप बता रहे 3 लाख 4 लाख सैलरी मिल रही। आज शास्त्री जी का जन्मदिन है और शास्त्री जी ने राष्ट्र हित में देश के लोगों को भूखे रहने के लिए कहा था कि सप्ताह में एक दिन भूखे रहिए। अगर एक टाइम भूखा भी रहना पड़े और देश हित में, हम लोग भूखा रहने के लिए तैयार। मैं तो 12 घंटा खटता हूँ, उसके बाद गिना गुथा 10,000 रुपए आते हैं। 12 घंटा 14 घंटा काम करता हूँ, 10,000 रुपए मिलता है। रुपए मिलता है, 10,000 रुपया मिलता है आप? 50,000 सुन लीजिए, उसमें मुझे बच्चों को ट्यूशन फीस भी देना है, स्कूल फीस भी देना है और अपने मेडिकल के लिए भी रखना है, उसमें सेविंग भी करना है। 10,000 में 10,000 भाई साहब कह रहे हैं कि 10,000 का सिलेंडर नहीं, 50,000 का सिलेंडर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप भरा पाओगे? नहीं, हम तो नहीं करा पाएंगे भैया, हम तो लकड़ी तोड़ के चूल्हे पे खाना बना लेंगे जब ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया, ये तो कह रहे राष्ट्रहित के लिए महंगा है, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं राष्ट्रहित के लिए, तो कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं इनके लिए, नहीं उनके लिए कोई बात नहीं। लगता है महंगाई है? अरे ये तो भाई बिल्कुल जायज सी बात लगता है, महंगाई बिल्कुल है। बच्चों का जहाँ 30,000 सैलरी थी, आज घर बैठे बच्चे आईटी सेक्टर के बच्चे 3 लाख से 5 लाख सैलरी पा रहे हैं। वो 10,000 पा रहा बता रहा बंदा। अरे भाई तो इनके लिए उज्ज्वला योजना में मोदी जी फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं। एक बार फ्री में भर दिए, 5 किलो राशन में मेरा 4 परिवार इनको फ्री मिल रहा, 5 किलो इनके पिताजी को किसान निधि में 2,000 फ्री मिल रहा, 5 केजी राशन फ्री मिल रहा हर महीने इनको, 500 रुपया केजी आटा होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। हम लेंगे घर बैठे जो 30,000 सैलरी पा रहा था, घर बैठे आज बच्चे 5 लाख सैलरी पा रहे हैं। बंदा बगल में बता रहा 10,000 कमा रहे हैं, इनके लिए मोदी जी उज्ज्वला योजना में दे रहे हैं। राशन भी नहीं लिए, मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना है, फ्री सिलेंडर मिल रहा नहीं, हमारा सिलेंडर हम फ्री लिए ही नहीं, ना हमारा राशन कार्ड बना है फ्री, सीधी सी बात, आज तक मैंने कभी राशन फ्री में नहीं लिया। राष्ट्रहित के लिए हम भूखे रह लेंगे, आप भी भूखे रह लो भाई। राष्ट्रहित की जब उस परिस्थिति पड़ेगी तो सब रहेंगे, तो हम भी पड़ेगी तब जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो कह रहा कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई पे विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रहित सरकार को ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल लाना चाहिए। फ्री राशन नहीं चाहिए हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, बाकी जो नए युवा पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां चाहिए। खाली हमको राशन नहीं चाहिए, राशन हमें मत दो, हमें शिक्षा चाहिए। सरकारी स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते जरा बताइए पत्रकार महोदय ने। हमारे भी बच्चे नहीं हुए, नहीं बच्चे अगर नहीं हुए हैं, शादी नहीं हुई हमारी, भाई साहब कहाँ पढ़ते हैं? भाई साहब आपने कहा ना हमारे लिए महंगाई नहीं, हमारे बच्चे आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं, 5 लाख 8 लाख महीने की सैलरी पाते हैं, इसलिए हमारे लिए महंगाई कोई माने नहीं रखता। तो आपके लिए माने नहीं रखेगी, लेकिन इनके लिए तो रखेगी। महंगाई का दर्द हम लोगों से पूछो, आप इसलिए ये गरीबों से पूछिए आप। सर आप गरीबों से पूछिए महंगाई क्या होती है, आप देते हैं नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें शिक्षा चाहिए,
हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन। निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है देश में, हमें पूरे देश में। हम कहते हैं सरकारी स्कूल की आप शिक्षा अच्छी करिए, निःशुल्क सरकारी स्कूल की शिक्षा अच्छी करिए। अब इससे बेहतर ये कुछ बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कर रहे हैं। 50,000 का सिलेंडर ले लेंगे भाई साहब। मैं कह रहा हूँ जब 30,000 इनकी सैलरी थी, आज 3 लाख से 5 लाख सैलरी पा रहे हैं। पैसा कमाते हो आप बताओ, कितना पैसा कमाते हो? 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में कम से कम 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा ड्यूटी करता हूँ। 3 लाख रुपए कमाते हैं। अरे सर बड़े आदमी है भाई, अब उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी में। पहली बात तो पढ़ाई नहीं, बच्चा मतलब हर इंसान परेशान है, शिक्षा नहीं मिल रही है। महंगाई लगती है? महंगाई नहीं है देश में, महंगाई नहीं है। देश को महंगाई नहीं, महंगाई बहुत है। आम आदमी से पूछिए ना महंगाई, सैलरी कितने लोग रोजगार है, कितने लोग पास नौकरी? 30 गुना सैलरी 300% तक बढ़ी है। 30 गुना सैलरी बढ़ी है इनके, इनके यहाँ बढ़ी होगी। कितने लोगों को नौकरी है? कितने लोग खड़े हैं आप पूछ लीजिए, कितने लोग पास नौकरी है, कितने लोगों के पास नौकरी है? जो शिक्षित लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, डिग्रिया लेके टहल रहे हैं। एक चपरासी की नौकरी निकलती है, पीएचडी वाले फॉर्म भरते हैं, लाइन लगी है। जितना इन्होंने नौकरियां निकाली है, जितने फॉर्म भरे हुए हैं, आप बताइए कोई नियुक्ति इन्होंने कंप्लीट की है? सारे में जाए। और मैं उदाहरण के लिए ये उदाहरण, राजनीति में महंगाई कोई मुद्दा नहीं, आम जनता के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, गैस उज्ज्वला जो एक बार भरा लेता दोबारा भराने नहीं जाता है 1,250 रुपए में। और देखिए आप तमाम चीजों की महंगाई, खाना, आटे का, दाल का, चावल का, हर चीज, रोज जो रोजमर्रा लोगों की आवश्यकता है उनकी दाम बढ़ गए हैं, बहुत दाम बढ़ गए। देखिए गरीब बहुत महंगाई, गरीब के लिए महंगाई, सुन लीजिए, गरीब के लिए राशन जी, फ्री राशन, फ्री आवास, फ्री शौचालय, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज मोदी जी दे रहे हैं। और अमीरों को जिनके पास पर्याप्त धन है उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। चांद नहीं सूरज पे पहुंचाने मोदी जी के साथ हैं हम लोग, और 24 ही नहीं 29 में ही मोदी जी को पीएम बना जाएंगे। सूरज, सुन लीजिए, सूरज में तो जल जाएंगे, गर्मी बहुत है, आप तो जाएंगे सूरज, आप तो चंदा, आप तो चंदा मामा, आप तो चंदा मामा को भी दूर बोलते थे, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं। कांग्रेस के रिज्यूम का था बजट।